अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज हम काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मसरूफियत रही। बेटियाँ भी घर पर नहीं थी, वो भी खाला के पास गई हुई हैं पिंडी। तो मैं और हदील घर पर हैं, तो हमने सोचा आज थोड़ा सा व्लॉग बनाएं और आपके साथ कुछ शेयर करें अपनी रूटीन। हदील जान मसरूफ़ है इस वक्त थोड़ी सी। As usual, मैं कमरा समेट रही हूँ। देखे ना, अभी जब कमरे में बैठना ही तुमने है, बेड पे बैठी अपना काम कर रही है, स्टडी कर रही है, फिर समेटना बिजी नहीं है। ये कंबल खोलती ऊपर लेती बिखेरती है, मैं तो अपने उठ के दूसरे कामों में बिजी हो जी। जी क्यों बजे आज तो मैंने खोला, आज तो आपने खोला। अच्छा हाँ, दोपहर को मैं काफी थक गई थी, मैं चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ला। घर में बड़ी दासी सी हो रही है लाश रूप के जाने की वजह से, बस छोटा मोटा ही गपशप भी कम हो रही है। मैं अपने कामों में मसरूफ रहती हूँ, हदील अपने स्टडी में बिजी रहती है, ये अपने किसी काम में मसरूफ हो जाती है। मैं थोड़ा सा स्टिचिंग कर लेती हूँ, फिर अपने जो शूटिंग करनी है डिश की उसकी मैं कर लेती हूँ। बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है हमारा। आज जब वो पकड़ी गई है तो आज हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की, सोच रहे थे साथ साथ आपके साथ शेयर भी करते हैं। हाँ जी, शबो पड़ी गई आज हमने इसको नहला दिया। हाँ, आज मैंने बाहर से गैराज को धो रही थी तो ये मेरे पास आ गई। मैं कह बहू तू बच्चू पड़ी गई, मैं तेरी सफाई कर दी है, फिर मैंने इसको नहला दिया। इस टाइम में 1.5 घंटा रह गया है और अब हम करेंगे तैयारी। हाँ, शबो को पका पका के करना, हराम चीज़ जरूर खाना। अच्छा हाँ, ये बच्चा हमारा सारा दिन दिल लगाए रखता। तो मैं तो किचन में जा रही हूँ अपनी तैयारी शैरी करने के लिए अभी। हाँ, मैं बड़े मज़े से आपसे एक बात शेयर करती हूँ। हमारे घर के बाहर शहतूत लगे हुए हैं, शहतूत का दरख्त, तो बच्चे बड़ा तंग करते हैं आके, उसको सोटे डंडे मारते रहते हैं शहतूत उतारने के लिए, तो बाहर बड़ा गंद डालते हैं। अभी मैं बाहर गई हूँ तो मैंने जाके बच्चों को मना किया, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर गंद डाला हुआ। तो वो हमारे पास छोटी सी क्यारी बनी तो कह रहे हैं हमारी चिड़िया मर गई, तो हम चिड़िया दफनाने के लिए आए। अच्छा, उसमें फाते पड़े तो मुझे पूछ रहा है आंटी आपका रोज़ा है, मैंने कहा जी बच्चा मेरा रोज़ा। तो मुझे कह रहा है आंटी आपने तो मेकअप किया हुआ, मेकअप रोज़ेदार तो मेकअप ही नहीं करते। मेरी टीम में क्या किसने कहा, कहते मेरी टीचर कहती है जब रोज़ा रखते हैं तो मेकअप नहीं करते, मेकअप नहीं करना चाहिए। मुझे उस बच्चे की बात सुनकर उसके मासूम से सवाल पर हंसी पे, मैं सोच रही थी कि किस तरह, यानी कि मेकअप से क्या फर रोज़े की, वो तो मीठे में थोड़ा जाना, मतलब हमने अपने चेहरे पर किया होता है। चले मैं तो अपना फिर काम जाकर किचन में स्टार्ट करती हूँ। आ जाओ शुरू का हदील, आप भी आ जाए मेरे पास। आज हम कुकिंग करेंगे अपने बाहर टेबल पर, आपको साथ अपनी सारी रेसिपी शेयर भी करेंगे। हम सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं क्योंकि अपने व्यूवर्स हमने काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं की। अच्छा, हम जरा डिश की तैयारी कर लें, और जब तक हम डिश की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया तो। अगर करेंगे तो आपको हमारे हर आने वाले व्लॉग और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें। चलें, हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। हमारे पास कैप्सिकम है, ये हमारे पास कैबेज, ये है हमारे पास लहसुन अदरक कुटा हुआ, चिकन, होममेड चीज़, उबला हुआ अंडा, अनियंस एंड कॉर्न्स, और बाकी हमारे मसाला जात वो पड़े। हमारा चूल्हा, कढ़ाई भी आ गई है हमारी। अब हम बनाएंगे फिलिंग बना के फिर हम अपने ब्रेड पॉकेट्स फिल करेंगे और फिर हम इफ्तार में इंजॉय करेंगे। एम आई राइट? हमारा शेफ भी आ गया, सब कुछ मुकम्मल है। तो जिन चीज़ों ना चमचे ना जरा खास तौर पर हांडी डोई एक चमचा हो जाए चलाना वो तो लाया पहले मैं। हमारी मिस्टर पूसी तंग करने आ रही है। शुभो मोमो, इसको सुनने चिकन की खुशबू आ गई है। ओह, हमारा शेफ चम्मच लेकर आ गया है, चम्मच आ गया हमारा, हमें अपना चमचा मिल गया। नहीं, मेरा वो दूसरा वाला लाना था, अब यही मिल गया। इसकी आंखें देखो किस तरह से बड़ी है। शुभो तो अपने हिस्से से पूरा गोश्त खाना सब कुछ खाते लिया वा है, 3 दिन में अपनी खुराक मुका देती है।
और अभी हम घर पे खुराक बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं अपनी डिश का। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये चला गया, जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। अभी चमचा लाना जरूरी था, मज़ा आता ज़रा जब आप कुकिंग करते हैं ना। जब मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, अम्मी जान जब कुकिंग करती थी ना तो मैम अपनी अम्मी को बड़े इश्तियाक से देखती थी, फिर सोचती थी अल्लाह मम्मी कभी कुकिंग कराया करूँगी हमें। पर जदों कुकिंग करनी पई फिर ये हाला कदों क्यों इन्ना सोचा सी कि कुकिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने, फिर माशाल्लाह खाने वड़े वड़े बनाए परौने वास्ते। फिर कभी कभी सोचना अल्लाह। अच्छा मुझे आटा गूंदने का बड़ा एक दफ़ा शौक चढ़ा ना, सिक्स सेवन्थ में थी, अम्मी को आटा गूंदते देखना ना, तो दादा ने कहीं कह दिया औरत के हाथ बड़े खूबसूरत और मुलायम हो जाते हैं जी। दादू बड़ी इस तरह की ना वो क्या कहते हैं ना कायल करने वाली स्टोरीज और बातें बताती थी। मगर नहीं भाई हम आटा गूंदा करना हाथ बड़े सोने होंगे। आटा गूंदा, अम्मी से पूछा अम्मी जी आटा मैंने ना गूंदा मुझे बताएं। आटा गूंदना शुरू कर दिया। लो जी अम्मी जान को आटा ही बड़ा पसंद आ गया। अम्मी जान कहते हैं हम आटा तुम ही गूंदा करना। पटाखे पड़े पटाखे पीछे हो जाती हूँ। ये है वन टीस्पून लहसुन, ठीक है वन टीस्पून लहसुन है। और मैं लहसुन का जो छिलका होता ना वो मैं नहीं उतारती, वो मैं साथ पीस के रखती हूँ। ये बस कच्चापन दूर होने तक, ये हमारा कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें ये हमारे पास छोटा प्याज है, इसको हम सोते कर लेंगे इसमें। ये हल्का सा इसको सोते करेंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे। अच्छा वैसे मम्मा ने जो आटा गूंदने वाली बात की है ना मुझे भी शौक चढ़ा था आटा गूंदने का, बस एक दो बार गूंदा है अब ठंडा हो गया क्योंकि फिर मामा ने कहना शुरू कर दिया था दिलजान। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। दिलजान तेरा फारग बैठे हो आटा तो गूंद दो। अब हमने जितनी सब्जियां सोते करनी ना इन इनको हमने हल्की आंच पे रखना है क्योंकि हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, हमने इनको फ्रेश 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 रखना और हल्का सा बस सॉफ्ट करना है, ठीक है। ये नीचे हमारी चूल्हे की आग हल्की है। जो इस डिश में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्या चीज है वो चीज ही है इसके लिए क्योंकि जब मेरा रोजा नहीं था तो मैं चीज खाती रहती थी, बाद मेरा रोजा है। आज हम ब्रेड पॉकेट्स में चीज खाएंगे और ये हमारी उदास वो हसरत भरी और हमारे घर का फर्द जो है वो हसरत भरी आंखों से मुझे देख रहा है कि कब हमारी मम्मा हमें कुछ नायक करेंगी। हैं इसको एक पीस दे दो। बिल्कुल भी नहीं, इसको भी कुछ नहीं देना, देने दे बेचारी भूखी है सुबह से। अच्छा जी अब हम डालेंगे ये हमारे पास है कैबेज। इसमें जितनी सब्जियां हैं ना आप अपनी पसंद से जायके के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इसमें जितने भी जो भी मिर्च मसाले डाल लें वो भी अपनी पसंद से आप कम लें, यानी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। कोई भी आप इसमें मसाले वसूले भर दें खैर है। ये सिजलिंग वॉइस कितनी एपेटाइजिंग लग रही है ना। मेरे पास वन कप चिकन है। मेरा दिल तेरा दिल धक धक कर रहा है चीज़ को देखकर। नहीं चिकन को देखकर नहीं, वो चिकन को देखकर तो हमारी मानो बिल्ली का धक धक करता है, मेरा भी करता है। अच्छा ये इसमें शामिल हो गया है। अब हम इसमें अपने सारे मसाले वगैरह शामिल करते जल्दी हैं। ठीक है फिर हमने इफ्तारी भी करनी है। इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस हाफ चम्मच के करीब, 5-50 हो गए। इसमें 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, इसमें हमने सोया सॉस डाल दी, ठीक है सोया सॉस पैगी तो होना पर चाहूँगी काली मिर्च, ये हमारी जाएगी काली मिर्च, और जिसे वैसे चिपाऊँगे कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई जमीन दब दब के कुटे हुए बेचारी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सोच पा रही हूँ जरा टेस्ट की जरा हदील मेरी ना थोड़े मिर्च मसाले थोड़े बहुत पसंद पर मेरे नाक में चढ़ गई। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये 2 अंडे बॉयल किए हुए, इसमें से हमने जर्दी निकाल दी है उसको ज़ाया नहीं करेंगे हम, उसको मेयोनीज में मिक्स करके अपने क्लब सैंडविच में यूज़ कर लेंगे। और ये अंडे के मिक्स क्लब सैंडविच यस ये सारा इसमें जाएगा। ये हमारे पास है थोड़े से कॉर्न हमने बॉयल किए हुए थे, थोड़े से मैश भी हमने इसमें किए हुए हैं, अब ये भी इसमें चले जाएंगे। एक रह गया चलो अभी कुछ पा देंगे बच रह गया एक, ठीक है मैंने डाल दिया। हाँ हमने कॉर्न बॉयल किए थे दूध पानी और नमक डाल के, चीज कब डालनी है चीज लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में डाल के हम इसके साथ सोते कर लेंगे। पहले हम
नमक डाल लें, सोया सॉस में भी हमारे नमक है, चीज़ में भी नमक है, तो हम नमक ज़रा थोड़ा सा इसमें एहतियात से शामिल करेंगे। तेज ही ना हो जाए? नहीं नहीं तेज बिल्कुल नहीं होगा, बेचारा साइड पे लगा होगा नमक। चलो जी, ये हमें सब कुछ शामिल कर दिया है, अब जाएगी जी ढेरों ढेर हमारी चीज़। ये देखिए ये हमारी चीज़, ये हमारी प्रोसेस्ड घर में बनी हुई चीज़ है। अरे बहुत टेस्टी बनती है, इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह मास्टर कर लें, चीज़ बनाने के मास्टर शेफ बन जाएं हम लोग। तो वही दरमियान में इकट्ठी होगी, नहीं ये भी सारी हो जाती है ना मेरे टोके। फिर उसके बाद हम इसमें इसको ठंडा करके डालेंगे इसमें मेयोनीज़, क्योंकि मेयोनीज़ में भी सॉल्ट है, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट की मिकदार कम रखी है। ठीक है, अहम पार्ट सबसे अहम पार्ट जिसमें फिलिंग होनी है, हमारी ब्रश, बेलन, छुरी, हमारा मास्टर शेफ फिर से आ गया है। और अब हम साइड्स काट रहे हैं। ये ब्रेड की हमने साइड कर, आपने ना फ्रेश ब्रेड लेनी, मैंने ये कल के खरीदी हुई है तो ये थोड़ी सी उस तरह की हो गई है, कल ली थी हमने। बेसिकली डिश हमने कल बनानी थी तो कल हमें टाइम नहीं मिला तो इस वजह से बनी नहीं, तो अब हम इसको सबसे बेहतर अल्टरनेटिव जिसके पास कटर नहीं है वो ढक्कन ले ले। नेशनल का अचार है, अचार खरीदे उसका ढक्कन, किसी भी कोई भी बड़ा सा ढक्कन काम आ जाएगा आपके। मेरे ख्याल से सिंगल सिंगल करके कर लें। नहीं नहीं ब्रेड दी टूटन छूटन देना चाहे, अच्छा कल दी खरीदी हुई से ली तो हमने फ्रेश ही थी, मगर आपको पता फ्रिज में जब एक दिन पड़ी रही ना ब्रेड थोड़ी सी हो जाती है। और लो जी, कोई भी तुहाडे कोल ढक्कन मौजूद है तो इस्तेमाल हो सकता है, इन्ना चौड़ा हो गया इसमें कोई नहीं है। साढ़े कोल नेशनल अचार का ढक्कन मौजूद सी, असी कैसे इन्हों ही इस्तेमाल कर लिए। जरा जोर जोर की ऊपर दबावे हाथ रख के इस तरह, ठीक है। हम तो मेहनत ही करने लग गए। नहीं मेहनत नहीं, बस हो गया, बस साइड ना तो असं कट देंगे हम। आ देखो ना कटिया गया आराम से, कोई खास इन्नी मेहनत है नहीं। ऐसे कटर थे वो हमारे, कटर जो है ना अब मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। कटर तो हमारे पास मौजूद थे, हर साइज़ के थे, पता नहीं उस दिन अला ने रखा है। फंस गए? नहीं फंसा नहीं है, ये भी निकल आएगा आराम से। ये देखो ना ये दो हो गए। इसी तरह हम ये सारे स्लाइस जो है ना अपने जितना आपका मेलून है उसके मुताबिक सारे बना के अब हम आपसे दोबारा मिलते हैं। हाँ ब्रेड तैयार है, पर मेरी मम्मा कह रही हैं कि अंडे फेंटो, लेकिन हमें अभी याद आया कि हमने तो अंडे खा लिए थे सहरी में, अंडे खा लिए थे तो अब हम मैं अंडे ले जाऊँगी। नहीं हमने सहरी में मैं जो हम अंडे लाए थे वो हमने आमलेट बना खा लिए थे, तो मुझे याद है कि अंडे तो खत्म। अल्लाह का शुक्र है हमारे करीब एक शॉप है तो हम फटाफट से अंडे ले आते हैं, जब भाग के जो लेकर आओ। शुरू जा रही, शुरू नहीं आए सदके जो, मुझे शुरू याद आ गए, मैं कि शुरू जा रही है, दिल जा रही है, फटाफट से हमारे करीब एक शॉप है वहाँ से अंडे लेने के लिए। चलो जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से जाओ, फिर हम उसके बाद अपनी रेसिपी का बकाया हिस्सा यानी कि जो उसकी ये ब्रेड वगैरह फ्राई करनी है फिर वो शुरू करते हैं। हाँ जी आ गए जी तुम, हूँ मैं कह सुन हदील आएगी तो बाकी का काम साढ़ा होना वा। आ जाओ सामान आप फिर लाए। हेलो जी, मेरी माँ ने मुझे अंडे फेंटने का काम दिया है। अरे तू कीते ही नहीं है अंडे पकड़ देने की है, तो थे कौन से अंडे, मैंने कहा मम्मी अंडे तोड़ते फेंट मैं देती। लो जी आ गए अंडे हैं, अपन बाकी का काम संभाल लिया, बस एक फेंटना नहीं दो है ना, थोड़ा थोड़ी तो फिर हम और कर लेंगे। तुझे करना है काम, बड़े सियाने थे। अच्छा तो ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, बस हाँ दो तीन टुकड़े। मेरे जाने के बाद आपने मुझे मिस तो नहीं किया ना? बहुत मिस किया मैंने, इतना तुम्हें मिस किया मैं तुम्हें बता नहीं सकती। चिली सॉस और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, नमक चुटकी।
ये अंडे भी छांट लिए हमने, और ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, ये हमारे पास ये हमारी कटी हुई ब्रेड, ये दो दो स्लाइस हैं। फिलिंग कब करनी है? ये पहले हम इसको लगाते हैं, अंडा कोट करेंगे पहले हम इसको। क्या मतलब? ये देखो पहले हम इनको फ्राई करेंगे। जी हाँ, फिर फिलिंग करेंगे, इसके बाद इसकी फिलिंग होगी जब ये फ्राई होगी। ओके, दैट्स न्यू। हाँ जी, दैट्स न्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। ये तुम ब्रेड को ही ब्रेड में कोट कर जा रहे हैं। कब तक फ्राई करना है इसको? फटाफट फ्राई हो जाना, इसकी रेसिपी का टाइम लगना। देखें, एक साइड से गोल्डन हो गया, अब मैं दूसरा भी शामिल कर दिया। ये हमारा तैयार है। ठीक है, हमारा बिल्कुल रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। अब इसकी साइड को हम इधर ही रख लेते हैं। ये हमारा हो गया रेडी। ठीक है, ये इधर चला गया, भी हो गया। चलो फिर हम सारे बनाकर फिर आपको इसके बाद में दिखाते हैं फिलिंग। ठीक है, ये खजूर और दूध छोटा सा तफ्तारी कर लिया हमने अपनी। अब अपनी मेन डिश पे आते हैं। अब हम लास्ट में, ये ठंडा हो गया है, हम इसमें शामिल करेंगे ये 1 टेबल स्पून मेयोनीज। ठीक है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो दी थोड़ी कर लो थोड़ी मर्जी है। सही नहीं, हम आप मेयोनीज सारी शामिल कर देंगे। असी जिन्हें बंदे से असी दो बंदे हैं, तो सबने इसे पॉकेट सुनने तैयार किए हैं। ठीक है, बाकी असं महलूल रख लेंगे कल वास्ते, असं कल की इफ्तारी बना लेंगे। क्यों हदील? यस, चम्मच दिएगा मुझे, मैं इसका टेस्ट टेस्ट करूं। ये तो मेयोनीज वाला ही पड़ा हुआ है, ये सही कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो, चटोरी इनू कहते चटोरे, इसके अंदर ही रख दो। हम तेरा जूठा पा दें? नहीं, क्या हो गया? चल कोई गल नहीं, अपन दोनों ने खाना इतना बड़ा है। वो ऐसे को काट रही हैं, ये पॉकेट्स बनाने हैं ना। अच्छा, तो ये आर्ट बनेंगे। लो जी, अपने ब्रेड पॉकेट, बस आपने एक फिल करने हैं, बाकी मैंने करने हैं। चलो अब हम इसमें रखेंगे अपना ये तोड़ के थोड़ा सा गोभी पत्ता, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच क्रंच पैदा हो जाए। ठीक है, पॉकेट मेरी बहुत छोटी है। ये देखो। और लो जी, हदील ने ना चखिया से अपने पा देते हैं, कोई बात नहीं। जब मेहमान आने वाले हो ना, फिर नहीं करते ऐसे काम, अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए इजाजत है आपको। चल रहे जी, अब हमने कैसे खाना है? ये देखिए, हमने मैंने मैंने सारे फिल कर लिए, मम्मा ने से फेंक किया। और मम्मा टटोरी कह रही है, खुद ऑफ कैमरा चम्मच लगाई जा रही है। उनका मम्मा वाह, इतनी दो नंबरी हैं। yes. ये देखें, अब हम इसको फाइनली खाने लगे हैं। हमारी सॉस बन रही है, हमारा चम्मच कहाँ गया पता नहीं। आज तो हम सिर्फ सॉस बना रहे हैं, केचप और मेयोनीज मिक्स कर रहे हैं जी। इतना सा मस्टर्ड पाउडर डाल देना, मैं घोल लूँ। हाँ, डबोल दो इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम हॉट सॉस डाल लेंगे। डाल देंगे हमारी ये चिली पेस्ट। मुझे मेयोनीज थोड़ी लग रही है, वो आप बाद में और मैं बस बहुत देते नहीं, नहीं और डालें थोड़ी सी, थोड़ी सारी मेयोनीज डाल दें। लो जी, बहुत है, इतनी ज़्यादा हो गई है। फिर दोबारा से ताज़ा बना लेंगे। मैं कह रही हूँ मेयोनीज ज़्यादा हो गई है बस। ठीक है, अब जी हम आपको खा के दिखाते हैं कैसे बने हैं। क्या ये मेरा पॉकेट, ये मैं ले रही हूँ, ये मैं ऐसे ही खाऊंगी। इसको आपने ये नहीं लगाना? नहीं। रिव्यू करो जरा। हाँ जी, रिव्यू दो भाई, कैसा बनेगा? अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अलाश रूप में भी खुश हो जाना था ना।
चले फिर मैं भी देखती हूँ चक्कर। मिस्टर पूसी जाएगी नहीं, मैं तो ये जो बनाई है ना मैं तो इसके साथ लगा मिस्टर पूसी जाएगी। बिस्मिल्लाह हमारे शब्बो रहेगी, शब्बो को भी बहुत मजे का, नहीं शब्बो को भी ब्रेड इन जाएगा। मजे का यहीं पे हम अपना व्लॉग करते हैं ख़त्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, उनको शेयर करें, उनको वॉच करें, उनको लाइक करें ज़रूर, और ये डिश भी ज़रूर ट्राई ज़रूर करें। और हाँ बहुत मज़े की, सॉफ्ट भी, और जितनी हमने सब्जियां हैं वो सारा इसमें क्रंच आ रहा है, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। चलो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।